सह वी कर्वाब तेजस्वे नधधी तमस्तु शांति 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 सर्वेभ्यो दे देशवाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हाद स्वागत मित्रों हितोपदेश कक्षा संख्या थर्टी टू बत्तीसवीं कक्षा को आज पढ़ेंगे चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा गत कक्षा में तो मैंने आपको संधि समाज विभक्ति आदि बताई थी ठीक है अब यहाँ तक हो गया था हमारा काके नोक्तम एवं अथ प्रातः सर्वे यथाभिमतवेश गता अर्थात जो मृग काक और जम्बुक काल हुई अगले प्रातः काल और वो फिर अपना अपना भोजन के लिए जहां जहां जिनको जाना था वो वहां वहां अपने देश को अपने स्थान को चले गए ठीक है अब आगे क्या घटना घटित -गट तो होती है उन तीनों के बीच में उसको बता रहे हैं कहते हैं कि एकदा निभृतम एक एक बार, एक बार माने किसी एक समय रहने लगे थे फिर कुछ समय बाद माने एक समय एकदा निभृतम निभृतम का अर्थ है यहां पर एकांत एकांत में माने क्या है माने एकांत एक माने वहां पर कोई और, और कोई नहीं है केवल दो ही है एक जम्बुक है और एक है मृग काक नहीं है कौआ नहीं है तो कहते एकदा निभृतम निभृतम माने एकांत स्थान में शिगाला हा। शिगालो शिगाल में जंबुक जम्बुक्रू ब्रूते ये ब, ये ब्रू है ठीक है ब्रूते ब्रूते माने कहता है क्या कहता है सखी सखी माने हे मित्र मृग को कह रहा है अर्थात अकेले में ले जा करके मृग को और जम्बू को उसको कुछ कह रहा है क्या कह रहा है अस्मिन वन का देशे सस्य पूर्णम क्षेत्र अस्मिन वनैक देशे माने इस जंग माने मान जंगल के माने अस्मिन वनैक देशे माने इस जंगल के एक देश में माने किसी एक एरिया में सस्य सस्यपूर्ण सस्य माने जिसमें हरी भरी फसल से भरा हुआ क्षेत्रम अस्ति माने क्षेत्र है इस जंगल के एक भाग में किसी एक एरिया में एक भरा भरा खेत है इसमें चारा आदि बोया हुआ है कोई फसल बोई हुई है सस्य तादा, तादा नीत्वा दर्शयामी तद माने इसलिए तद मान है इसलिए आहम माने उस खेत को खेत के एरिया में तत्रमाने वहां नीतवा ले जाकर दर्शयामी दिखाता हूं या दिखाऊंगा दोनों अर्थ माने जाते ठीक है लटलकार का हम ऐसा भी अर्थ करते हैं दिखाऊंगा अथवा दे, दे दिखाता हूँ ठीक है अभी थोड़ी देर बाद ये दिखाना है तो हम बोलते हैं ठीक है चलो मैं दिखाऊंगा तो हम दर्शयामी का प्रयोग कर देते हैं दर्श्यामी और भी ऐसी क्रिया जो भी है तो इसलिए मैं तुझको को माने तुमको तत्र माने वहां नीतवा ले जाकर दर्शयामी दिखाऊंगा या दिखाता हूं? कि ये है खेत खेतवाई मृग को तो हरी भरी घास ही चाहिए पर श्रीगाल दुष्ट है दुष्ट है कुटिल है वो उसको फसाना चाह रहा है मरवाना चाह रहा है मृग को क्योंकि वो इसीलिए उसने जब मिला था वो तो उसने क्या है उस मृग को हृष्ट पुष्ट देखा था और मन में पहले बार ही विचार किया था किसी न किसी प्रकार से मुझे इसका मांस खाने को मिल जाए तो बहुत मैं धन्य हो जाऊंगा तो अब वो दुष्ट श्रिगाल उसको फसा रहा है तो कहते हैं तथा कृते सती मृगा प्रत्यम तत्र गत्वा सस्म खाद तथा कृते सती माने वैसा होने पर माने वैसा कर लेने पर ऐसा वैसा माने उस शिगाल ने उसको दिखा दिया खेत है उसको दिखा दिया खेत तो वैसा सब कुछ हो जाने के बाद क्या है जो मृग ने देख लिया और फिर खाने लग गया तो मृग क्या है प्रत्याम माने प्रतिदिन तत्र माने वहां गत्वा जाकर के सस्यम खा जाती फसल को खाने लग गया दे। डेली जाता और वो खेत में घुस जाता और खाता और फिर आ जाता फिर जाता फिर खाता अब तो उसे इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है और मन ही मन धन्यवाद भी कर रहा है अपने श्रीगाल मित्र का जम्मू का अरे तो बहुत अच्छा मुझे मित्र मिल गया इसने तो मुझे देखो कितना अच्छा खेत बता दिया पर उसको बुद्धि नहीं है मृग को ठीक <laughs> है मृग को बुद्धि नहीं है वो कुटिल नहीं है तो वो समझ नहीं पा रहा समझ गया था तो हो गया तो अब आगे कहते हैं आथा देना कतिपेना क्षेत्रपतिना तद दृष्ट पाशा योजिता आत्मा ने इस प्रकार से वो डेली डेली खाने जाता तो इस प्रकार से क्रम चल पड़ा तो दिन कतिपये ना दिन कतिपय का अर्थ है कुछ दिन के कुछ दिन से कुछ दिन के कतिपये दे, न कत, दिन कतिपये ना कुछ दिनों के बाद हिंदी में इसका सीधा अर्थ आएगा कुछ दिनों के बाद अब आप कहेंगे तृतीया का ये अर्थ कैसे निकल गया ऐसा ही निकलता है या पर कुछ दिनों के अंतराल से है, कुछ दिनों के अंतराल से क्षेत्रपतिना क्षेत्रपतिना माने जो खेत का मालिक तो उसका तृतीय का है खेत के मालिक के द्वारा खेत के स्वामी के द्वारा तद माने अब उसका खेत का स्वामी ने उसको देख लिया कुछ दिन बाद उसने देखा अरे ये तो मेरा खेत खा के जाता है <laughs> तो तद उसको देख करके पाशा योजिता पाशा योजिता माने जाल बिछा दिया अपने खेत में जाल बिछा दिया ये अब आएगा तो अब इसमें फंसेगा और मरेगा <laughs> अनंतरम पुनरागत चरण मृग मृगस्त पाशो पाश्ध चिंतया जब उसने जाल बिछा दिया पाशमा तो क्या हुआ अनंतर मन उसके बाद पुनः आगतश्चरण मन फिर द्वारा अगले दिन आया हुआ मन अगले दिन आया चरण माने चरता हुआ मतलब वो चरता हुआ मारता हुआ मृगहा मृग तत्र माने वहां खेत में बद्धा जाल से जालों जो जो पाश बिछाए थे वो जालों में फंस गया बंध गया जालों से जालों के द्वारा वो बंध गया मतलब अचिंता माने फंस गया बंध गया और कहीं इधर उधर जा नहीं सकता और फिर वो सोचने लगा अचिंत अब, अब तो सोचने लगा भैया अब चिंता में पड़ा क्या होगा जी कोमिता काल पाषा दिव्यात हा देवा है ये मिता काल पाषादि व्याध पाशात्र वो क्या सोचने लगा वो सोचने लगा कि भाई को कहा मे कौन माम माने मुझको इता इता माने यहां से इस खेत से इस जाल से काल पाषाद इव व्याध पाषाद कि ये काल पाश के समान माने काल माने यमराज का जो यमराज का जो जाल होता है मृत्यु रूपी पाशे होते हैं कालपाषाद इव माने यमराज के पाशों के समान ब्याद पाशात माने ये जो ये खेत का स्वामी है व्याध माने शिकार करने वाला वो शिकार ही कर रहा है अब तो, तो इस व्याध के पाश माने इस पासों से जैसे यमराज के यमराज से यमराज की जो काल होता है यमराज होते हैं उनके जाल में फंसा हुआ व्यक्ति मर ही जाता है वैसे ही इसके व्याध के पाश है ये जाल है अब इसमें फंस गया अब तो मरे ही जाऊंगा तो कहते हैं कि अब इस व्याद के पास त्रा तुम मने रक्षा करने के लिए बचाने के लिए मित्रात मित्र से और मित्र अपना मित्र से अन्यहा अब कौन समर्थ है मित्र के अलावा तो कोई नहीं बचा सकता जी मित्र ही बचा सकता है ऐसा सोचने लगा और उसके दो मित्र एक है कह, काक और एक है जम्मू जो नया वाला दुष्ट मित्र है तो कहा समर्था मारे कौन अन्य समर्था अर्थ मित्र से दूसरा कोई मुझे नहीं बचा सकता और तो मित्र ही बचा सकता है तत्रुक्रा ग्योपस्थितो चिंतया तत्र माने वहां अंतरे तत्र अंतरे वही पर थोड़ी दूर जहां पर वो फंस गया था उससे ही थोड़ी दूर में अंतर में जम्मू का मान जो श्रिगाल श्रिगाल तत्र माने वहां आगत्या माने आकर के उपस्थित उपस्थित माने बैठा हुआ अचिंत वो तो फंस गया मृग अब वो थोड़ी दूर में ही क्या है वहां पर बैठ करके सोचने लगा जी दुष्टे उसको बचाने का कोई नहीं उसको सोचना क्या सोचने लगा फालवत अस्माक बोला फलिता ओ भाई बन गई बात भाई सिद्ध हो गया मामला फलिता माने सिद्ध हो गया क्या सिद्ध हो गया ताबत मतलब अस्माकम कपट प्रबंध जो मैंने इससे मित्रता करके और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ कर रहा था फलित हो गया सिद्ध हो गया फस गया ये चिड़िया फंस गई अब कुछ का बात बनेगी मेरा जो कपट प्रबंध माने जो मैंने कपट व्यवस्था बनाई थी मित्र बन करके इसको मारने के लिए वो सिद्ध हो गई अब माने बात पूरी बन गई मनोरथ सिद्धि प्रायो में भविष्यति और क्या है मेरे मनोरथ माने मेरे मन मेरे मनोरथ की जो सिद्धि है वो भी प्राय करके प्राय में भविष्य मेरी हो जाएगी उसकी मनोरथ की सिद्धि क्या थी एत एतस्या उत्कृत त्यमानस्या मांसाश्रिगलिप्ता नेस्थिनि मया अवश्यम् प्राप्तब्यानि तानि बाहुल्येनमेभोजनानि भविष्यंति उसका मनोरथ क्या था उसके मनोरथ की सिद्धि ये थी कि मैं ये इसका मांस खाना है इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा तो अब उसको कह रहा है कि एतस्या तस्या उत्कृत्य माने इस मृग उत्त्यमान माने जब इसको शिकारी है वो इसको लेगा पकड़ेगा और इसको काटेगा तो ये जब कटता हुआ खंड खंड होता हुआ ये मृग एक तकृत्य मानस्या इस कट खंड होते हुए के मांस जो मांस होगा इसका और अश्रिक अश्रिक माने मांस और अश्रिक माने जो अः मज्जो अश्रिक मान हड्डी मांस से युक्त मांस और मज्जा से युक्त ये होगा ये अश्रिक अश्रिक का अर्थ होगा मज्जा जो मेद होता है मेद भाग तो मांस और मेद से लिप्तानी लिप्त जो इसकी हड्डियां होंगी वो मया अस्थि ने हड्डियां मया मन मेरे द्वारा अवश्य ही प्राप्त ज्ञानी मुझे मिल जाएंगी क्योंकि जो बहेलिया है वो तो इसका चमड़ा चमड़ा उतार के ले जाएगा उसको मांस से क्या करना वो तो शिकारी है उसको तो चमड़ा चाहिए उसका चमड़े को बेकेगा वो या जूते आदि कुछ भी के लिए बेकेगा दुकान पर जाकर के मांस और मांस से युक्त जो इसकी हड्डी पड़ी रह जाएंगी वो मेरे अलावा किसको मिलेगी मुझे ही मिलेंगी मैया प्राप्त ही मिलनी चाहिए मुझे ही मिलेंगीहुल्य नोजना भविष्य तानी माने वे मांस और मेदा से युक्त जो चिपटी हुई जो हड्डिया वो क्या है बाहुल्य बहुत दिन के लिए बहुत समय से बहुत समय बहुत समय तक ये अर्थ आ जाएगा माने मेरे भोजनानी भविष्यंति मेरा भोजन बन जाएंगे अर्थात मैं लंबे समय तक उनको चूसता रहूंगा खाता रहूंगा मेरा भोजन आराम से चलता रहेगा बहुत लंबे समय तक ये इसका ये सिद्ध हो रहा है मृगस्तम दृष्टोित्रूते तो क्या मृगा अब क्या मृग म्रिग है मृगा तम दृष्ट अब मृग ने इधर उधर देखा तो वह बैठा हुआ मृग ने उसको देख करके श्रेगा को जम्बुक को देख करके एवा। दृष्टवा एव उल्लस उल्लासितो भूते लंबी सांस भरते हुए उसने कहा ओ ऐसे लंबी सांस भरते हुए उसने उसको कहा किसको श्रीगाल को जम्बुक को सखे मित्र छिंधी तावन मम बंधनम सत्वरम त्रायस्व अरे मित्र छिंदी माने काटो तावत तम, तब में सबसे पहले मेरे बंधन को काटो या तावत का ता, तावन मा, माने पहले मेरे बंधन को काटो मित्र सत्वरम त्रायस्व माम सत्वर जल्दी से माम माने मुझको त्रायस्व माने बचाओ मुझे बचा लो जल्दी से क्यों यो क्योंकि क्योंकि क्या कहा गया है कहते आप मित्र युद्धे आत युद्धेशूरमृगे मृणे शुचि भार् क्षीणेशु व्यसनेशु बांधवान कहते हैं कि आपत्सु मित्रम जानिया आपत्ति आ जाने पर मित्र की पहचान करनी चाहिए जब आपत्ति आ जाए पहचानना चाहिए कौन मेरा असली मित्र है वैसे तो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं मैं भी मित्र हूं मैं भी मित्र हूं तो आपत्सु मित्रम जानियात। आपत्ति आ जाने पर ही मित्र की पहचान करनी चाहिए और युद्धे शूरम जानियात।, जानियात का सब जगह संबंध लगेगा ठीक है युद्ध में शूर को जानना चाहिए जब नहीं तो बिना युद्ध के तो भाई हम भी शूर हैं पर शूर व्यक्ति की पहचान कहां पर वो करनी चाहिए युद्ध में युद्ध क्षेत्र में ये लड़ सकता है ये लड़ वैसे बात बनाता है ऋणि और ऋण पर ऋण होने पर कर्ज में कर्ज में व्यवहार को व्यवहार की पहचान करनी चाहिए कर्ज होने पर जब व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है तो वो झूठ बोलता है झूठ बोलता है अरे मेरे पास नहीं अरे अब इतना दब दूंगा ठीक है तो ऋण में ऋण होने पर क्या पहचानना चाहिए शुद्ध व्यवहार को कि ऋण होने पर कौन सत्य बोलता है कौन असत्य बोलता है और भार्याम क्षीण शुभित शु। और क्या है निर्धनता में जब सारे धन संपत्ति नष्ट हो जाए उस समय पत्नी की पहचान करनी चाहिए कि अब पत्नी अपने पास टिक रही है या जा रही है छोड़ करके ठीक <laughs> है प्राय करके ऐसा देखा जाता है ठीक है तो भारियाम क्षीणेश भारिया की पहचान कब होती है जब सब धन संपत्ति नहीं रहती निर्धन हो जाता है व्यक्ति अचानकता जो सच्ची भारिया होगी वो छोड़ेगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए और जो स्वार्थी होगी वो छोड़ देगी ठीक है बांधवान और कहते हैं जो और व्यसन माने विपत्ति आ जाने पर विपत्ति आ जाने पर बन, बांधवान माने अपने सगे संबंधियों की पहचान होती है कि अब हेल्प करेगा कौन देखते हैं <laughs> नहीं तो जैसे ही विपत्ति आती है तो सगे संबंधी रिश्तेदार सब बंद कर देते हैं एकदम फोन उठाना भी बंद कर देते हैं पूछने की तो बात दूर है आ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है जी अपने आप हाँ आगे देखेंगे देखेंगे दे, देखेंगे दे, 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 दे। कोई बात नहीं करना चाहता तो सच्चे जो सगे संबंधी की पहचान कब होती है व्यसनेशु विपत्ति आ जाने पर तो अब श्रीगाल क्या वो मेरे कह रहा है भाई मेरे ऊपर विपत्ति आई है और तुम वो मित्र अब तुम्हारी पहचान होगी तुम वास्तव में मित्र हो कि नहीं हो क्या मेरे को बेवकूफ बना दिया और कहते हैं अपरंच अपरंच ठीक है अपरंच का अर्थ और भी इसी प्रकार से बताया गया है सुना जाता है लोक में उत्समे व्यसने चै दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे शमशाने राज द्वारती सब बहुत सुंदर का मित्रों के उत्सवे उत्सव का अर्थ है हर्ष में हर्ष के समय में हर्ष माने प्रसन्नता के विषय में सुख के समय में और व्यसने चै और उसी प्रकार से विपत्ति के समय में दुर्भिक्षे अकाल पड़ जाने के समय में राष्ट्र विप्लब और जब राष्ट्र नष्ट हो रहा है उस समय में राष्ट्र नष्ट हो गया उस समय में राष्ट्र नष्ट अर्थात किसी ने छीन लिया दूसरे राजा ने उस समय में कहते हैं राष्ट्र विप्लव का वो अर्थ है राज्य क्रांति मान राष्ट्र में जब क्रांति हो रही हो माने विवाद कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण कर रहा हो उस समय में राजद्वारे और राजद्वार पर राजद्वार पर राष्ट्रद्वार पर अच्छा राजद्वारे का अर्थ यहां पर इन्होंने दिया है कचहरी कचहरी मैंने कोट कोट कर दिया इन्होंने राजद्वार वही है मैंने, कोट कचहरी शमशाने चा और शमशान में <laughs> शमशान का अर्थ मतलब जब मर गए तब शमशान में जो व्यक्ति साथ रहता है इन सारे समय में जो व्यक्ति साथ रहता है सब बांधवा वही बांधव है है बंधु अपना मित्र सगा संबंधी वही है क्या होता है हर्ष में तो लोग साथ में रहते हैं और जैसे ही व्यसन आयात विपत्ति आदि छोड़ के चले जाते हैं दुर्वृक्ष पड़ता है अकाल पड़ता है किसी राज देश में अकाल पड़ा तो उस देश की प्रजा छोट छोड़ करके चल देती है उस राजा को राष्ट्र विप्लव है राष्ट्र पर कोई आपत्ति आ गई कोई दूसरे ने आक्रमण कर दिया क्रांति हो गई उस समय भी लोग बहुत सारे लोग भाग जाते हैं कुछ वही बने रहते हैं ऐसे राजद्वारे कोर्ट में भी गवाही देने के लिए गवाही देने के लिए पहले बोलते हाथ दे देंगे फिर बाद में हट जाते हैं वहां पर या नका विपरीत हो जाते हैं झूठ बोल देते हैं शमशान है और शमशान में डर तो लगता है जाने से लोगों को जो व्यक्ति साथ रहता है वस्तुता वही मित्र है ऐसा लोक में कहा जाता है ये बात किसने कही है मृग कह रहा है उसको श्रृगाल अब मैं विपत्ति में आ गया हूं मुझे बचाओ भाई तुम मित्र हो तुम्हारी पहचान होगी अब ठीक है तो चलिएगा आज इतना ही करेंगे ठीक है आज इतना ही करेंगे और इसका व्याकरण का जो चिंतन है वो मैं अगली कक्षा में कराऊंगा ठीक है तो यहां तक हमने समझ लिया तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें ये सही है ये स्थिति हमारे साथ घटित होती है घटित होती है हम इन सभी बातों का अपने जीवन में लाभ ले सकते लाभ ले सकते चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं सर्वेभ्यो नमः